हाउ टू फिक्स स्पॉटिफाई इक्वलाइजर डिसअपीयर्ड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, यदि आपका जो स्पॉटिफाई अकाउंट है उसमें इक्वलाइजर डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, यानी कि हाइड हो जाते हैं, या फिर आपको नहीं मिलते आपके स्पॉटिफाई अकाउंट पर, तो कैसे आप जो है इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसके रिगार्डिंग पर सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, ठीक है। तो यदि दोस्तों आपको भी ऐसा प्रॉब्लम है तो सिंपली दोस्तों आज का जो ये वीडियो है आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको दोस्तों पता लग जाएगा कैसे इसको फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई कोई मोबाइल पर या फिर कोई मोबाइल के जो एप्लीकेशन है उसमें इस तरह का प्रॉब्लम होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक आम बात है। तो दोस्तों यदि आपको भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आज का जो ये वीडियो है आप पूरा ज़रूर देखेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो आप डेफिनेटली फिक्स कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेकआउट कर सकते हैं, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि दोस्तों इक्वलाइजर जो है आपका यहाँ पर डिसअपीयर हो जाते हैं तो दोस्तों आप एक बार जाइए प्ले स्टोर पर, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाके दोस्तों आप सर्च कीजिए स्पॉटिफाई, सर्च करने के बाद दोस्तों आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। सर्च कीजिए, अपडेट कीजिए, उसके बाद मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों एप्लीकेशन जब पुराना हो जाते हैं तो दोस्तों फीचर वगैरह मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, आपके पुराना एप्लीकेशन पर। तो आपको उसे लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक कीजिएगा, प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। यदि इससे प्रॉब्लम फिक्स होता है तो ठीक है, यदि नहीं होते तो दोस्तों आप जाइए एक बार सेटिंग पर, उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशन के अंदर पे आपको जाना है, उसके बाद मैनेज ऐप पर आपको चले जाना है, ठीक है। मैनेज ऐप, इंस्टॉल ऐप, या फिर ऐप मैनेजमेंट करके आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है आपके स्पॉटिफाई, तो स्पॉटिफाई को हम यहाँ पर आइए सर्च करते हैं तो यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे आपको सर्च करके आ जाना है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लियर ऑल डेटा कर देना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपको क्लियर ऑल डेटा करके ओके कर देना है, और क्लियर ऑल डेटा कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद ए परमिशन पर जाइए, पूरा परमिशंस को अलाउ कीजिए, और सारे जो परमिशन है उसको अलाउ करने के बाद मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। सारे साथ दोस्तों आप जाके चेक कीजिए, प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का जो प्रॉब्लम रहते हैं वो दोस्तों ये सॉल्यूशन करने के बाद प्रॉब्लम फिक्स हो जाते हैं। यदि आपका भी प्रॉब्लम फिक्स होता है तो ठीक है, यदि नहीं होते तो आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। आपका जो दोस्तों यहाँ पर स्पॉटिफाई का एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करना होगा। तो स्पॉटिफाई का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद आपको रीइंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से एक लेटेस्ट वर्जन। रीइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप चेक कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड है। अबाउट फोन पर जाइए, चेक कीजिए अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर, ठीक है। यदि अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद दोस्तों चेक कीजिएगा, प्रॉब्लम आपका डेफिनेटली फिक्स हो चुका होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को आसानी से फिक्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।